मंगल पर पहुंचा नासा का परसुरंस रोवर लगातार नई खोज कर रहा है। हाल ही में रोवर ने वायुमंडल की कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर इतिहास रच दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक किसी अन्य ग्रह पर पहली बार ऐसा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी डेमो 20 अप्रैल को हुआ। इससे भविष्य में होने वाली खोज का रास्ता अब साफ हो गया है। नासा के स्पेस टेनासा के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन निर्देशालय के एसोसिएट प्रशासक जिम राइटर ने कहा कि मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का ये पहला अहम कदम है। और दोस्तों आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया न केवल भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन तैयार कर सकती है, बल्कि वापसी की यात्रा के लिए पृथ्वी से ऑक्सीजन की ढुलाई के काम से छुटकारा दिला सकती है। दोस्तों मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी मॉक्सी एक तरह की सुनहरा कार की बैटरी के आकार का एक बॉक्स है। ये रोवर के अगले हिस्से के अंदर लगा हुआ है। मैकेनिकल ट्री कही जाने वाली ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बिजली और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करती है। साथ ही ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तैयार करती है। अपने पहले रन में मॉक्सी ने 5 ग्राम ऑक्सीजन तैयार की है। ये आम गतिविधियों में लगे एक एस्ट्रोनॉट के लिए 10 मिनट के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन के बराबर है। मॉक्सी के इंजीनियर्स अब और आगे के टेस्ट रन पर विचार कर रहे हैं। इसे प्रति घंटे 10 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के हिसाब से तैयार किया गया है। इस पर लगी सोने की पतली कोटिंग इस बात को सुनिश्चित करती है कि ये गर्मी को रेडिएट नहीं करेगा और रोवर को गर्म नहीं करेगा। लाल ग्रह पर परसुरंस ने 18 फरवरी को लैंड किया था। तो दोस्तों मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने का काम शुरू हो गया है और फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी अपडेट जानकारी पाने के लिए चैनल साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी साथ। जय हिंद, जय भारत।